लेवो मूवी कैसी और विक्रम से कैसे कनेक्टेड है, क्या है पूरी कहानी, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेवो मूवी तो आपने अभी तक देख ली होगी और आपको यह भी पता चल गया होगा कि लेवो कनेक्टेड टू एलसीओ, और यह फिल्म एलसीओ से कनेक्ट होने के बाद हमारे मन में कई सारे सवाल छोड़कर जाती है, और इसकी एंडिंग को लेकर भी लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि आखिर इसका एंड कैसे हुआ। तो आज हम लेवो मूवी के फ्यूचर और उसके एलसीओ से कनेक्शन और लेवो मूवी की एंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं और उसे पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम लेवो मूवी की एंडिंग के बारे में बात करें तो लेवो मूवी की एंडिंग में क्या हुआ, तो लेवो मूवी की एंडिंग हेडल दास और एंटनी दास की मौत से होती है, और जब तक यह दोनों मरते नहीं, लियो यह बात सामने नहीं आने देता कि वही लियो दास है। वह उसका नाम हमेशा सबको पार्थी ही बताता है, और सबसे पहले वह अपने बाप एंटनी दास को मारता है, और फिर उसके बाद वह उसके अंकल हेडल दास को मारता है, और जब तक लियो को यह नहीं लगता कि यह अभी तक मरे नहीं है, तब तक वह उन्हें भी नहीं बताता कि वही लियो है, और वह जैसे ही मरने वाले होते हैं आखिर में वो लियो उन्हें बताता है कि वही लियो दास है। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर लियो मूवी कैसे कहते से कनेक्टेड है। अगर हम लियो मूवी का कनेक्शन कहते मूवी से देखें कि लियो मूवी कहते से कैसे कनेक्ट है, तो इस फिल्म का कनेक्शन कहते मूवी से ऐसा है कि आपने वह आखिर में नेपोलियन पुलिस वाला तो देखा ही होगा जो दिल्ली के साथ होता है, और जब लियो उससे पूछता है कि उसने वह गन जो आखिरी में दिल्ली में मशीन गन चलाई थी वह उसने कैसे चलाई, तो वह नेपोलियन पुलिस वाला कहता है कि वह गन मैंने नहीं चलाई बल्कि दिल्ली ने चलाई थी, और लियो उससे इसलिए ऐसा पूछता है क्योंकि पूरे पुलिस फोर्स के अंदर यह बात बताई गई है कि उस नेपोलियन पुलिस वाले ने वह मशीन गन चलाई थी। अब हम बात करते हैं कि आखिर में लियो मूवी विक्रम मूवी से कैसे कनेक्ट है, तो लियो का कनेक्शन हमें विक्रम से 2-3 बार देखने को मिलता है। सबसे पहले तो लियो मूवी के इंटरवल के बाद हमें विक्रम मूवी से वह लड़की देखने को मिलती है जिसके पास विक्रम जाता था और उसके हाथ बांधकर उसे चिल्लाने के लिए कहता था। वह लियो की कॉफी शॉप में जाती है और लियो के ऊपर नजर रखती है और लियो के लिए एक मैसेज भी छोड़कर जाती है। यहीं से हमें यह पता चल जाता है कि लियो मूवी के अंदर कमल हासन का हमें कैमियो जरूर देखने को मिलेगा, पर हमें कमल हासन के कैरेक्टर विक्रम का कैमियो लियो मूवी के अंदर पूरा नहीं देखने को मिलता, उनकी केवल आवाज़ सुनाई देती है और वह भी मास्क पहने हुए होते हैं, और लियो से फोन पर कहते हैं कि तुमने एक फैक्ट्री तो जला दी पर अभी देश के अंदर और कई सारी फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पर विक्रम ड्रग्स की फैक्ट्रीज की बात कर रहा होगा और वह लियो का साथ चाहता होगा देश के अंदर ड्रग्स को मिटाने के लिए, और विक्रम का यह मैसेज सुनने के बाद लियो एक स्माइल करता है, और इससे हम समझ जाते हैं कि लियो ने विक्रम का काम एक्सेप्ट कर लिया है या शायद फिर नहीं भी किया हो। तो यही कनेक्शन है लियो मूवी का एलसीओ से और विक्रम मूवी से। तो अगर हम बात करें कि क्या लियो का कैमियो हमें आगे लोके सिनेमैटिक यूनिवर्स की किसी फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा, तो हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि हमें लियो का कैमियो विक्रम 2 या फिर कैथी के अंदर देखने को मिल जाए। पहले कैथी 2 बनेगी, उसके बाद विक्रम 2 आएगी, तो मुझे लगता है कि लियो का कैमियो हमें विक्रम 2 के अंदर देखने को मिलेगा, ना कि कैथी मूवी के अंदर, क्योंकि थालापति विजय भी बहुत बड़े स्टार है और उनकी तारीख मिलन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वह किसी बहुत ही बड़े फिल्म के अंदर ही आना पसंद करेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि लियो मूवी एलसीओ से कनेक्टेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।